पैसा मुझसे लिया और जमीन किसी और को बेच दी। पैसे बांटने की धर्मशाला खोल रखी है मैंने। ए, चुपचाप साइन कर। 10 लाख की जमीन को 1 लाख रुपए में खरीदना चाहते हो तुम? तू मुझसे जबान लड़ाता है भाई? ये बस इतना ही नहीं, अपने कामेश्वर भाई को गालियां देता रहता है। इसकी इतनी हिम्मत भाई के लिए ऐसा बोलता है? अपने कामेश्वर भाई लालच में दूसरे के पेट पे लात मार के पैसा कमा रहे हैं। ये सच कह रहा है क्या? हाँ सच है। अगर तुम जैसे अमीर लोग हम गरीबों के पेट पर लात मारेंगे तो वो भगवान चुप रहेगा क्या? मेरी बात सुनो, तुम जो भी कर रहे हो उसका हिसाब वो भगवान जरूर तुमसे लेगा। भाई, मेरा भाई मेरा प्यार है, मेरी दुनिया है, मेरे लिए वो सब कुछ है। उसके खिलाफ कोई भी गलत शब्द मुंह से निकाला तो मुझे बचा लो भाई। चिल्ला क्यों रहा है भाई? इस कमरे में कोई आया था ना भाई? हा? भाई हा? कौन कौन था वो? चेहरा दिखा? उसने मुंह ढक रखा था। हा? मुझे बचा लो भाई। ए, जाओ उसे हर तरफ ढूंढो, जहाँ मिले उसे वहीं काट कर अपना दो। जाओ, मुझे बचा लो। तू चिंता मत कर। ए किंचा, कोई दिखाई दिया क्या? कोई नहीं है भाई। तू बेकार में डर मत, तेरे साथ मैं हूँ, बेफिक्र रहे। भाई मैं हूँ ना, मैं रुक जाता हूँ यहाँ, आप जाकर सो जाइए। भाई मैंने चारों तरफ देख लिया, कोई भी दिखाई नहीं दिया। हम लोग के बाहर होते हुए कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अरे तू नालायक, कहीं के पी के कहीं लुढ़क रहे होगे तुम लोग। भाई सच में कोई आया था भाई? कामू, तू किसी बात को लेकर डर मत। काशेश्वर यही रहेगा, तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। तू एकदम आराम से सो जा इधर। ठीक है भाई। चलो भाई, आप डरिए मत। ये क्या शिवा भाई? हाँ? तुम खुद नारियल खरीदने आए हो? तुम्हारा बेटा कहाँ है? अरे छोड़ो यार, मेरी पसंद का लड़का हुआ होता तो मुझे क्यों नारियल बेचना पड़ता है? वो तो पूरे गांव की मदद करता है, तुम्हारी मदद नहीं करता है? नहीं करता यार, उसकी देखभाल हम करते हैं, लेकिन वो पूरे गांव की मदद करता है। किसी का भी फोन उसके पास आ गया तो वो मदद करने के लिए निकल पड़ता है। वो कौन है क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब अपने घर की जायदाद को बेचकर गांव वालों को दान कर देगा तुम्हारा बेटा? हो भी सकता है, किसी ने फोन करके मदद मांगी होगी और ये हीरो बन रहा होगा। जल्दी आओ। हेलो राजा, कहाँ है तू? क्या बात है मामू, तुमने अचानक फोन किया? राजा मुझे बचा ले यार, इस एरिया के गुंडे लोग मारने के लिए पीछे पड़े हैं, मुझे मार डालेंगे, जल्दी आ। अरे तू कहाँ है? अरे ब्रो के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, वो भी मेरे मामू को। किस लिए मामू? अरे वो सब बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तुम कहाँ पर हो? अरे मंदिर के बगल वाली रोड पर भाग रहा हूँ। तुम उन्हें ऐसे ही दौड़ा कर मंदिर के पास लेके आओ, हम पूजा करके उन्हें प्रसाद भी खिलाएंगे। ठीक है ठीक है, जल्दी आ। Yeah!
चलो रे। राजा राजा। भाई 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 भाई, क्या हुआ भाई? ऐसा क्या हो गया? तुम लोग मेरे मामू को इस तरह मारने के लिए क्यों तुले हुए हो? अरे मैं अपना काम अच्छे से कर रहा था और तुम लोग मेरे घर के पेपर दे नहीं रहे हो। भाई आप जो कर रहे हो वो गलत तो है ही ना? गलत है राजा, बहुत ज्यादा गलत है। वैसे इस रंगमंच की दुनिया में तुम तो कुछ दिख नहीं रहे हो, साइलेंटली निकल जाओ। इस नौरंग को जिसने मजबूर किया है ना वो तुम हो, निचोड़ दूंगा। ए, तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को मैंने अपनी जिंदगी से निकाला है, चलो निकलो, दिमाग खराब मत करो, चलो निकलो। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, लेकिन मेरे जैसे के साथ तुम्हारा पाला पहली बार पड़ा। देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। अच्छा सिर्फ बात करनी है, ठीक है, वरना आपको दुनिया में जीने के लायक नहीं छोड़ता। ए, इस झुनझुन की हवा में तेरे जैसे कितने आए कितने गए। हवा को काबू में रखने वाले एक हाथी को मारने के लिए एक चींटी काफी होती है। तुम लोग अभी मेरे बारे में जानते नहीं। अरे कमबख्त, चुपचाप अपना मुंह बंद करके लोरी सुन के हमारे बकरी को हमारे हवाले करके चुपचाप निकल जा यहाँ से। अगर कोई और होता ना तो उन्हें छोड़ के निकल जाता, लेकिन ये मेरा मामा है, छोड़ कर जाने का सवाल ही नहीं है। तो फिर तू हम सबको मार के इसे ले जाएगा क्या? एक दो तीन चार पाँच, हमको क्या मच्छर समझ रखा है? मच्छर की बात नहीं है, एम्बुलेंस देख रहा था, एक पंच काफी है तुम सबको ले जाने के लिए। देखा ना, हमें एक पंच मार के एम्बुलेंस में भेजने की बात कर रहा है ये। अरे मेरी मार ही ऐसी है, एक ही पंच में सुला देता हूँ। काट डाल, छोड़ना मत उसको। अब मारने को काहे पिटने को नहीं। अरे बहुत मजबूत आदमी है, तेरी बहन ने क्या खिलाया इसको? सॉरी, यहाँ पर आपका पूजा का सामान गिर गया, इसलिए माफी चाहता हूँ। कहाँ जाकर दूध में पानी मिला कर लाई हो? ये दूध है कि पानी है? मुझे बना रही हो क्या? सामने तो लेकर आई, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई, जाके हॉस्पिटल में चेक कराओ। कितना झूठ बोल रहा है, डरा रही है। दूध में पानी मिलाती हो, दूध दिख ही नहीं रहा उसमें, और मुझे अंधा कर रही हो। एक तो रोज रोज दूध निकाल कर तुम्हारे लिए यहाँ लाती हूँ और नखरे दिखाती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो दूध देके चली जाओगी, बेचना तो मुझे पड़ता है ना। तुम्हारे बेचने का ढंग हमको नहीं पता है क्या? हर रोज कपड़ा चुरा कर पहनते हो, तुम्हें क्या लगता है किसी को पता नहीं है ये बात? मैं चोरी के कपड़े पहनता हूँ ये जानती है? चेक करना है या ऐसे ही डाल दूँ? अरे तुम्हारा क्या चेक करना है, तुम आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे तुम कह रही थी ना कि छूने से तुम्हारा बदन दर्द होता है, अब दर्द कैसा है? अब तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। छू के देखो। लेकिन छूने से अभी भी होता है। ए मुँह क्या देख रही है, चल डाल। तुमने चेक तो किया ही नहीं, सीधा दूध डालने को बोल रहे हो। ए चेक करने के लिए दूध डालने के लिए बोल रहा हूँ, डाल इसमें। देखो इस नालायक को, ये हर किसी का अलग टाइप से चेक करता है। मैं नालायक हूँ?
कैसी बात कर रही हो तुम? इस नगरी में एक ही तो हिम्मत वाला योद्धा हूँ और वो हूँ मैं, और तुमने मुझे पे सवाल खड़ा कर दिया। क्या हुआ तुम्हें, खुजली हो रही है? हो रही है, तुम खुजाओगी क्या? मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। इस गांव में मेरी तरह और भी योद्धा हो, इसलिए मैं दूध की दुकान चलाता हूँ और तुम लोग मिलावटी दूध बेचते हो। सबके बोनस का पैसा खर्च करते हो, तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है? लगता है सबको पता चल गया है, मेरा समय बुरा चल रहा है शायद। सुन छोटे, तू दूध कलेक्ट कर ले, मैं जरा आता हूँ। ठीक है भाई। ज्यादा जुबान चला रही है। नाच ना चाहिए, गाना चाहिए, तू ही तो मेरी जान है मम्मी। हवा निकाल दो टायर की, फिर हवा भरेगी मेरी पम्मी, प्यारी पम्मी। पम्मी? अरे पम्मी कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे अरे रास्ते से हटो, गिर जाऊंगा। अरे पकड़ो। तू तेरी तो, मैं पकड़ने को बोला तो मेरे गिरने पर हंस रहा है तू। अरे क्या मामू, जब देखो मुझे मारने पे ही तुले रहते हो। मैंने तो यही सोचा कि साइकिल से मुझे मारने के लिए आ रहा है। लोग हमेशा ऊपर उठने के बारे में ही सोचते हैं, गिरने के बारे में नहीं सोचते, इसीलिए मैं हमेशा ऊपर उठने की सोचता हूँ। तू मुझे अपनी तरह समझता है क्या? अरे मेरा क्या है मामा, मैं तो राजा की तरह जी रहा हूँ। सुन बे रावण के दसवें अवतार, आज के जमाने में लोग फोन करके सामान बुक करते हैं और ऑनलाइन मंगवाते हैं, और तू आज भी साइकिल पर घूम कर सामान बेचता है गधे। अरे मामा, इस साइकिल पे कपड़े का धंधा करता हूँ, इसीलिए तो पैसे दे पाता हूँ, समझे? तेरी बात भी सही है, लेकिन तू यहाँ पर आया क्यों है? वो मुझे ना लायक कहीं का। तुझे पंप चाहिए क्या? पंप ना यहाँ पर रखा है, तो खुद ही लेकर हवा भर ले, मैं चला खाना खाने के लिए। आया बड़ा होशियारी करने। अगर पंप मुझे ही मारना होता तो अपने टायर की हवा में खुद क्यों निकालता? आ जाओ आ जाओ मेरे सपनों की रानी, कब से खड़ा हूँ देखने तेरी जवानी। पल खाती नागिन की तरह चलती हो मेरी जान, जी तू करता है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। पम्मी, ये कमीना कहाँ से आ गया? पम्मी, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कमर पे गगरी रख के जब चलती हो ना, तो चलते वक्त कहीं तुम्हारी गगरी कमर से छूट के टूट ना जाए, इसलिए मेरा दिल घबराता है, और इसीलिए मैं चला आया तुम्हें और तुम्हारी गगरी को संभालने। मैं जहाँ भी जाता हूँ ये मनहूस वहीं में घुस जाता है। तुम बड़ी नाजुक हो ना, अगर गगरी टूट भी जाए तो नहीं लाकर दे दोगे? वो तो दूंगा ही ना, लेकिन पम्मी ये तो बताओ कि वो दिन कब आएगा? आ जाएगा आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। मैं अंदर चूल्हा जला कर आती हूँ, तुम लोग यही रुकना। क्यों बे, दूध बेचने वाले? दूध बेचना छोड़ के यहाँ पंप मारने चलाया? ए, मैं मेरा पूरा काम करके आया हूँ, तेरी तरह आधा काम छोड़ के नहीं आया मैं। तो मैं कौन सा आधा काम छोड़ के आया हूँ? मेरे रास्ते में टांग मत उड़ा। तू मेरे रास्ते में आ रहा है, मैं तेरे रास्ते में नहीं आ रहा, समझा तू? मुंह बंद कर लो वरना मक्खी अंदर चली जाएगी। ना ना, तुम्हें देख के जो खुशी मिलती है तो मुंह में पता नहीं क्या क्या जाता है। मम्मी, दांत दिखाना बंद करो और पंप मारो। आगे मारो पीछे मारो, दोनों साइड पे मारो। ए, उधर साइड हेड पंप मारना है। इस तरफ आ जाओ ना। अरे बस करो, पंप तुझे मारने के लिए नहीं बोला, उसे बोला है, वो मारेगी, तू बीच में क्यों आ रहा है? चल साइकिल। जो पंप मार रही है उसको तकलीफ नहीं, जो पंप मरवा रहा है उसको तकलीफ है। भैया साइकिल तो मेरी है ना। हाँ, बड़ी जागवार है ना तेरी तो, बंगार में बेचेगा तो एक पैसा ना मिले इसका। सुन, मेरी साइकिल के बारे में कुछ बोला तो तेरी हवा निकाल दूंगा। तो मैं क्या तमाशा देखने के लिए खड़ा हूँ, तुझे उठा के फेंक दूंगा। पापा मम्मी ओए लड़की क्यों करती। ए पागल, तेरे लिए गाना बज रहा है देख। अबे मोटू, वो गाना तेरे लिए। अबे यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम लोग जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो, तुम तो बहुत प्यारे हो ना। कौन कहता है कि स्वर्ग ऊपर है, स्वर्ग तो यही है, देखिए कितनी खूबसूरत लड़की ने मुझे टच किया। मामा, मैंने बोला था ना कि ये दोनों यहीं पर मर रहे होंगे। ओए घोचो,
गांव में सुधार लाने वाले, हो गया क्या तुम लोगों का काम? जब देखो तुम लोग यहीं पर पड़े रहते हो, और कोई दूसरी जगह पे काम नहीं है? ए, काम क्यों नहीं है, सारा काम तो इसने आके बिगाड़ दिया। तुम लोगों को देखने से तो लगता नहीं है कि तुम काम करते हो। ए, तू चुप हो जाना मामा, गांव के हर काम में हम लोग ध्यान देते हैं, काम करने जाते हैं, काम करने आते हैं, तुम तो जानते ही हो ना। क्या तेल? क्या तुम लोग तेल के बारे में बात कर रहे हो? तेल नहीं, काम, काम। मैंने साफ साफ सुना है तुम लोग तेल के बारे में बात कर रहे थे। तुम लोग मुझे उल्लू बना रहे हो क्या? ए मामा, फूल के आलू बन गए हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं फिर भी अकल नहीं तुम्हें? कहते हैं ना कि खाओ खुजाओ बत्ती बजाओ, तुम बत्ती बजा के सो जाओ ना। जाओ, तुम लोग जो काम कर रहे हो उसमें मुझे भी शामिल करो, नहीं तो मैं तुम लोगों में अभी हवा भर दूंगा। इस गांव में अकेले तुम ही लोग नौजवान लड़के हो, मत समझना। इतना लेट कैसे हुआ? वो गैस। जल्दी खिला, जल्दी खिला। तूने जानबूझ के तीखा खिलाया ना? नहीं नहीं, मैंने तीखा लग रहा, पानी पिला। देती हूँ। ये अच्छा है, सब मैल निकाल देगा। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको ना। अरे क्या हुआ? मैल निकालने के बहाने तुम पत्थर से घिस घिस कर मेरी पीठ की चमड़ी निकाल दोगी लगता है। कितना दर्द हो रहा है, जला दोगी क्या? अरे चुपचाप बैठना, कभी नहीं सुधरेगा। तेरी पीठ कितनी काली हो गई है। साल में कम से कम एक बार तो नहा लिया कर, अच्छे से बाल बनाया कर, अच्छे कपड़े पहना कर, अच्छे से जाया कर बाहर, लोग क्या कहेंगे। मेरी भी कोई इज्जत है गांव। श्री मंदिर अमन गोविंदा, गोविंदा। माजी, यहाँ हूँ, यहाँ आ जाइए। अरे रे 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 रे, मैं ये क्या देख रहा हूँ माजी? अब बुढ़ापे में इस जवान लड़के को इस तरह बिठा कर नहला रही हो? अब क्या करूँ, करना पड़ता है। नहीं नहीं माजी, इसकी उम्र के लोग शादीशुदा हो गए, हाथ में एक और कमर में एक रख के घूमते फिरते हैं, और इसको छोटे बच्चे की तरह आप नहला रही हो, वो भी लोरी सुना सुना कर। माँ बाप जिस बच्चे को पालते हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री बन जाए, माँ बाप के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता है। आज इसका जन्मदिन है, इसीलिए नहला रही हूँ इसे। मतलब ये साल भर में एक बार ही नहाता है क्या? अरे ओ दास जी, क्या हुआ? मैं तो रोज नहा लेता हूँ, बस साल में एक बार कभी कभी फंस जाता हूँ, बस इतना ही। अरे चुपचाप बैठ जा। पता नहीं इसे क्या हो गया है, शायद इसके ग्रह ठीक नहीं चल रहे, काल चक्र की तरह पूरे गांव में घूमता रहता है ये। अरे वाह, यही सही मौका है, हमें इसे ठीक से इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अरे घूमने दो माजी, घूमने दो, बस ये अमावस्या निकल जाने दो, उसके बाद इसका राजयोग शुरू। इसकी जिंदगी में चांद जैसी एक परी आने वाली है, परी, उसके बाद ये किसी के हाथ नहीं आएगा, टॉप में, ये टॉप में चला जाएगा, और टॉप में। नसैया, सच में? आपके मुंह में घी शक्कर। अरे मुँह में घी शक्कर छोड़ो, खाने को कुछ दो, बहुत भूख लगी है। इसकी तो ऐसी की तैसी। ओ दास जी, मुझे टॉप में जाने की बात करके खुद यहाँ पर टॉप में पैसे ऐंठते हो, बहुत बड़े चालक हो यार, लाओ दो ना मुझे पैसे। तिरुपति पे जो पैसा चढ़ गया और दास के लोटे में जो पैसा आ गया, वो कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ क्या? अच्छी तरह से साबुन लगा कर नहा कर आ जा, हमें मंदिर जाना है। ठीक है। डॉक्टर साहब, चाय। मैं भी इसी का इंतजार कर रहा था। लाओ लाओ बेटी दो। ये क्या बेटी, मैं पहले से ही शुगर पेशेंट हूँ, तुमने इस चाय में
शुगर की फैक्ट्री डाल दी है। मैं इतनी शुगर पी लूंगा तो मेरी तो खाट खड़ी हो जाएगी। अरे ऐसा क्या, लाइए लो, मैं दूसरी बनाकर लाती हूँ। डॉक्टर, हमारे भाई की तबीयत के बारे में बता, अपनी तबीयत के बारे में मत बता। डॉक्टर, अभी इसकी तबीयत कैसी है? ऐसी बात नहीं है, सुबह थोड़ा बीपी और शुगर बढ़ गया था, अभी कंट्रोल में आ गया है। डॉक्टर, हमारे भाई की तबीयत के बारे में बता, अपनी तबीयत के बारे में मत बता, समझा? तुम्हारे भाई का स्वास्थ्य ना, डोंट वरी, अगले हफ्ते तक ये पिकअप कर लेगा। ना जाने कब पिकअप करेगा, रात को बोलता कोई मुझे मारने आ रहा है, कोई मुझे मारने आ रहा है, ऐसा चिल्लाता है ये। ये सिर्फ भ्रम है। क्या कहा? वो ना क्या है कि देखो, एक ही जगह पर बिस्तर पर पड़ा है ना, खून का दौरा नहीं हो रहा, इसकी वजह से ये बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है। सच में कोई मारने के लिए आया था? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई, मुझे सच में कोई मारने आया था। ए डॉक्टर, जैसे ही मेरा भाई ठीक हो जाता है उसकी शादी करवानी है। शादी करवा कर क्या करेगा बेवकूफ, इसका कोई भी पार्ट्स काम नहीं कर रहा। अब तू क्या सोच रहा है डॉक्टर? ये उठ जाएगा। नहीं, ये ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में, टप 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 दौड़ने लगेगा। उसके बाद तुम सुहागरात का मुहूर्त निकाल लेना। इसे लेकर जा, मैं चलता हूँ। अरे रानी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। बस जी रहा हूँ बेटी। चलिए पापा, मंदिर में चलते हैं। मंदिर में कहाँ है भगवान? हम सब पर इतनी परेशानियाँ बीत रही हैं, फिर भी वो पत्थर बनकर चुप बैठा है। रानी, हमारे लिए वो भगवान नहीं है। ऐसा मत कहिए माँ, हमें बचाने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। मैं नहीं आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं आने वाला। मैं भी नहीं आऊँगा। वैसे पूजा में शामिल होने की बात करके यहाँ पूजा करने के लिए लेकर आए हो, क्या ढोंग रचा रहे हो तुम? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम लोग? जरा भी अक्ल नहीं है क्या? अपने बाप की उम्र के लोगों को दोस्त बनाकर बैठा है। देखिए माँ जी, अपने जमाने में दूध बेचने का धंधा शुरू किया था, उसी दूध को ये पी के ताड़ के झाड़ जैसा लंबा हो गया। इसीलिए लोग कहते हैं तू कपड़े का धंधा करता है और भालू जैसे कपड़े पहन के घूमता है। मैं टी शर्ट और 3/4 पहन के एकदम स्मार्ट बन के चलता हूँ। माँ तो तुझे भालू ही समझ बैठी थी। तू स्मार्ट है, स्लिम है। ए, हमें दिखने में तू दो बच्चों का बाप दिखता है। ऐसा है क्या? तू जरा पीछे। उस दिन यहीं पर तुमने मुझे धक्का दिया था और आज ये मेरे पापा को धक्का दे रहा है। जैसे त्रिपुर सुंदरी की फैमिली है और हम लोग धक्का मारने के लिए मरे जा रहे हैं, जाके अपना काम करो ना। फालतू मत बोल, काट डालूंगा। कबड्डी खेलने वाले गांव में अगर तुम लोग अपनी होशियारी दिखाओगे ना, तो फिर खेल के अंत में तू अकेला ही बचेगा। ए, क्या कर लेगा तू? क्या है, बहुत देर से देख रही हूँ तुझे, बहुत उछल रहा है, चुपचाप खड़ा रहे। क्या हुआ बेटी, सबके सामने तुमने इसे तमाचा क्यों मारा? अगर इसने भी तुम्हें तमाचा मार दिया होता तो सबके सामने तुम्हारी भी इज्जत की धज्जी उड़ गई होती ना। अरे अनजाने में गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। हाँ, इससे पहले तुम्हारे मुंह में दही जमा था क्या? ए, अब चलो रे। ए, देख क्या रहा है, हट रास्ते से। अरे चल साइड हो। ए अकी, इसका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ए, तुझे अच्छे से देख लूंगा मैं। अबे क्या देखने वाला है तू? आज मेरा जन्मदिन है इसलिए चुप बैठा हूँ, वरना तुम सबको अपनी एक झलक तो दिखा ही देता। चल ले ले मेरा फोन नंबर, सिर्फ एक ही मिस कॉल दे देना, मारने के लिए मैं खुद तेरी जगह पे आऊंगा। 9916572464। चलो यहाँ से। अबे यार, तूने फोन नंबर किसे दिया? बेवकूफ को या सुंदरी को? अबे तू चुपचाप चलना है। समझ गया। ए, हो गया, चलो अब चलती हूँ माँ। ठीक है बेटी। मम्मी, पापा, ये पंचर बनाने के लिए इसमें सोल्यूशन लगा कर ले आओ, जाओ। ठीक है।
ओए होए होए, क्या मामा जी, बिजनेस फुल जोरों से चल रहा है, पूरे बिजी हो? हाँ क्या बात है भाई, तुम चारों गधे आज एक साथ घूम रहे हो? आज राजा का जन्मदिन है, हम लोग मंदिर से होकर आ रहे हैं। ऐसी बात है, चलो भगवान तुम्हारा भला करे। आपका आशीर्वाद काफी है मामा। अरे कुछ भी हो, मेरा हाथ तो छोड़ो भाई, छोड़ो, ये लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई क्या कर मंदिर का प्रसाद दे रहा है? प्रसाद कड़वा होता है क्या? चुपचाप खा लो ना। प्रसाद प्रसाद, अरे बोल ना, मामा जी को सुनाई देता है। तू उसे बोल रहा है क्या? बहुत बढ़िया दिमाग लगा रहा है। ए, चलो जाओ यहाँ से। क्यों भाई राजा, जन्मदिन पर किसी को खाना खिलाना चाहिए तो प्रसाद बांट रहे हो तुम? अरे वो भी कर डालेंगे, चिंता मत कीजिए। वो भी हो जाएगा। अच्छा वो भी हो जाएगा, ठीक है भाई, तो फिर मैं भी जल्दी ही आ जाऊंगा। अरे पन्नी पन्नी बोल के हमेशा उसके पीछे पड़ता है। ये प्रसाद खा लो, मैंने अपने हाथों से बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अबे ओ पागल, कहीं के वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? साथ देने के बजाय वहाँ उसे लाइन मार रहा है, जल्दी धरा। इसकी खबर तो अब मैं लेता हूँ। अरे पागल, तू वहाँ क्या कर रहा था? अच्छा वो ये भंगार साइकिल शॉप तोड़ के यहाँ पे एक हाईटेक साइकिल शॉप शुरू करने का सोच रहे थे। वो सब तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले कल वाला साइकिल का पैसा दे। ये तुझे चाहिए? अभी समझ में आया, इसके दिमाग में कोई कमी नहीं है। अरे ढोलू, कोई मुझे हेल्प के लिए मैसेज कर रहा है यार। लगता है कोई लड़की ही होगी, कॉल करके देखना। कॉल करूं क्या? फोन बज रहा है। ए, रुक। क्या बात है, यहाँ पर फोन उठाने के लिए आई है? वो यहाँ फोन बज रहा था तो मैंने सोचा देख। बंद कर, जाके अपना काम कर जा, निकल। हेलो। अरे किसी लेडीज की आवाज। लेडीज है तो मुझे देना। हेलो हेलो, ए कोई मुझसे इंग्लिश में बात कर रही है। इंग्लिश में क्या? तो तू भी इंग्लिश में बात कर ना। हेलो, आई एम डेनी कॉलिंग यू। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, डोंट वरी। व्हाट यू वांट इन यू? अबे तेरी तो इंग्लिश बंद कर, अगर चप्पल मिली ना। चप्पल की बात कर रही है? आई हैव टू जोड़ी और टू जोड़ी स्लीपर है। अबे अंग्रेज की पैदाइश, तू एक बार मिल तो। मार मार के चटनी बना दूंगी, मेरे सामने अंग्रेजी छाटता है। अरे बाप रे, ये बहुत प्यार से बात कर रही है। हाँ ठीक है ठीक है, रुक दिखा। वो सब ठीक है, मेरे दोस्त को हेल्प मी ऐसा मैसेज भेजा, क्या मैटर है? मैं तुझे मैसेज क्यों करूंगी? हाँ अगर तू सामने मिल गया ना तो वहीं पर तेरा खून कर दूंगी, समझा? अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, खून चाहिए उसको, वो मेरा ग्रुप पूछ रही थी। मेरा ए पॉजिटिव है, कितना लीटर भेज दूं? कितना चाहिए हाँ? एक बार तुम मिल जाओ, तुझे बंदर बना के ही छोड़ूंगी मैं। चल फोन ये कैसे बेकार दोस्त है, मुंह पे थूकते हैं। अच्छा हुआ तुमने ही नहीं देखा। क्या बात है माँ, आज स्पेशल खीर बना कर रखी है। अरे तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, आज हमारे राजा का जन्मदिन है ना, उसी के लिए बनाई है मैंने। ओ, ऐसा है क्या? तो फिर ये खीर क्यों बनाई? पार्टी मनानी चाहिए थी ना, वो भी अच्छे से खाएगा ना। आज मैं अच्छे से खा कर आया हूँ। देखा ना, हम लोगों की तो कोई चिंता ही नहीं है। आइए जनाब खाइए। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा सब हो गया है। एक बात बताओ राजा, तुम बाहर खा कर आए हो, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? अपने अगल बगल में मामा लोगों को क्यों रखा है? हाँ? जब जरूरत पड़े तब पैसा देने के लिए ही ना। अरे वो कौन है, तुम्हें लड़की भी देने वाला है क्या? अरे अब तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम चुप रहो, तुम मजाक मत करो, इसे कौन तो मेरी बातों पर हंस क्यों रहे हो तुम? हमारे राजा की शादी नहीं करनी है क्या? अरे किस जमाने में जी रही हो तुम, जब भी किसी का फोन मदद के लिए आता है ये साहब निकल पड़ते हैं, सारा दिन घूमता रहता है, कौन देगा लड़की इसे? किसी की मदद करना बुरी बात है क्या, अच्छी बात नहीं है? हाँ अच्छी बात है बेटा। हेल्प मी, दोपहर को भी यही मैसेज आया था, वापस क्यों भेज दिया? फिर किसी ने मदद के लिए फोन किया है क्या, उठाकर देखो ना। नहीं नहीं, किसी कंपनी का मैसेज है पिताजी, बोल रहा है कि 800 रुपए में स्पेशल इंटरनेट ऑफर है, ले लीजिए, ऐसा बोलकर मेरा दिमाग खा रहा है। उनसे मिलकर अच्छे से सबक सिखाओ, नेट का बहाना बनाकर लड़कों की जिंदगी खराब करते हैं, सालन दो थोड़ा। अरे इतना भी खराब नहीं है पिताजी, आप जरा चुप रहिए। अरे ऐसे ही किसी को उठाकर घर मत ले आना, देखो अपने पोते को। तो तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? हेलो।
हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? अरे फोन तो तुमने किया है और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? फोन तो मैंने ही किया है, लेकिन इससे पहले हेल्प में ही मदद कीजिए ऐसा मैसेज आपकी तरफ से आया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हा? तुम्हारे मुंह में आग लगे, सुबह से तुम्हारी हरकतें देख रही हूँ, क्या मजाक कर रहे हो? हा? कौन था वो? कौन है पता नहीं, सुबह से इसी तरह कॉल कर करके मुझे परेशान कर रहा है। हेलो, ओए, उस औरत ने हेल्प करने के लिए मैसेज किया था और पूछने पर जो मुंह में आया गाली दे रही है। तू जिससे बात कर रहा है उसका नाम कोटेश्वर है, पता है तुझे? अरे तुम कोई भी हो, मुझे क्या पड़ी है, मुझे मैसेज किस लिए किया पहले ये तो उससे पता करो। गांव के सभी लोग मदद मांगने के लिए मेरे पास आते हैं और तू कह रहा है कि मेरे घर वालों ने तुझे मैसेज किया मदद मांगने के लिए? अरे किसी और नंबर से आया होगा मैसेज। और दोबारा इस फोन से मैसेज आया तो फोन मत करना, रख फोन। लगता है कोई पागल फैमिली है। मम्मी बेटी मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान का ध्यान रखना। ठीक है पिताजी, आप जाइए। अरे ससुर जी कहीं जा रहे हैं क्या? पम्मू पम्मू। अरे वाह, दस अवतार, आजा आजा यहाँ बैठना। पम्मू क्या बात है, धंधा अच्छा चल रहा है? अरे धंधा वंदा क्या खाक चल रहा है, जितना बाल है सबके सब वैसे ही पड़ा है, एक चड्डी तक नहीं बिकी। एक चड्डी खरीदोगी क्या? अरे अपने पिताजी के लिए। नहीं इस तरह से साइकिल पर आदमियों के कपड़े चड्डी ये सब बेचोगे तो खरीदने के लिए कौन आएगा? और तो फिर मैं क्या करूँ बोलो? तुम एक काम करो, तुम अपने धंधे में ना लेडीज आइटम रखना शुरू कर दो। लेडीज आइटम रखूँ क्या? वही सब, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, चोली, ये सारे कपड़े बेचो ना। ये सब रखूंगा तो वर्कआउट होगा क्या? मैं जैसा कह रही हूँ एक बार करके तो देखो, वर्क भी होगा और आउट भी होगा। कौन सा खेल खेल रहे हो दोनों मिलके जो आउट की बात कर रहे हो? खेलना भी नहीं है और गाना भी नहीं है, कमाने का तरीका पूछ रहा था तो वही बता रही थी। मुझसे पूछते तो मैं बताता ना बेवकूफ। चुप कर, बेकार में लुंगी और चड्डी बेचने की सलाह दी थी तूने, एक भी सेल नहीं हुई है। मुझे दे, मेरी सलाह के बदौलत ही आजकल दोने वाले खा पा रहा है तू। तन्नी खाने के लिए कुछ है? अबे गाय का गोबर खाएगा क्या? क्या खाना है हमेशा पूछते रहते हो, कभी किसी होटल में ले जाकर खिलाया है क्या मुझे? बस आते हो और जाते हो। मम्मी तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या चाहती हो, ऐसा कभी पूछा है तुमने? तो बताओ मम्मी तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें लाके वो दूंगा। खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, अचार चाहिए। फॉरेन वाले लोग जो सेंट मारते हैं ना वैसा सेंट चाहिए तुम्हें, या बदन मुलायम रखने वाला सोप चाहिए तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं क्या पसंद करती हूँ ये पता करो और खुद मेरे लिए खरीद कर लाओ। ठीक है, तुम्हारी पसंद की चीज का पता लगा कर उसे तुम्हें देकर तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना लेंगे। आइस कैंडी, ये क्या बात हुई, मुझे अकेला छोड़कर तुम अकेले अकेले आइसक्रीम खा रहे हो? दो है ना तुम्हारे पास, मुझे भी दो ना। ये लो ना। रस भरी है ना? हाँ भरी है। क्या भाई ऐसे सेल्फी लेने जैसा मुंह क्यों बना रखा है? ए, मुबन कर। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो नारियल लाने के लिए शहर जा रहा है। और वो अपने मामा को लेकर। हाँ, यही सही टाइम है, इनके साथ टाउन जाकर के पम्मी को जो भी पसंद है उसे खरीद के लाऊंगा और पम्मी का दिल जीत लूंगा। तो फिर मैं भी चलता हूँ, मेरे कपड़े संभाल लेना। हाँ, तेरे कपड़े संभालने के लिए तो मैं पैदा हुआ हूँ ना, संभाल के जाना। अरे देख ठीक से पकड़ के बैठ, मुझे दूध का पैसा भरने के लिए बैंक जाना है। हाँ ठीक है। अरे जाओ जाओ, मैं पम्मी के साथ एकांत में मजे करूंगा। क्या बात है डेरी, मेरे पसंद की चीज खरीदने के लिए तुम दर्शन के साथ नहीं जा रहे हो? मतलब वो तुम्हारे पसंद की चीज खरीदने गया है? अरे रुको, अरे मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको रुको। अरे रुक जाओ, बाय बाय। ऐसे दोस्त दुश्मन को भी ना मिले। अरे यार, खमंडी रानी, क्या अंधेरे की तरह गाड़ी चला रहा है, दिखता नहीं क्या? तेरी वजह से मेरा पूरा बदन फूट गया, अब इलाज कौन कराएगा? मैं
अबे इसको गाली देकर भी क्या फायदा? इसको ड्राइवर बनाकर रखा है ना इस घमंडी रानी ने, इसको सबक सिखाना होगा। माइंड योर टंग, सामने से गाड़ी आ रही है तो इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि तुम्हें थोड़ा साइड होना चाहिए? बाप का रोड समझा है क्या? यू अनएजुकेटेड ब्रूट्स। इंग्लिश बोलने वाली एलिजाबेथ रानी, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अनएजुकेटेड नहीं होता। तुम जैसे पढ़ाकू लोगों में शर्म हया और इज्जत नहीं होती, तो इस मामले में अनएजुकेटेड तो तुम लोग हुए ना, दुनिया के सबसे बड़े अनएजुकेटेड हो तुम लोग। बहुत बोल रहे हो तुम, मर्द होने का बहुत घमंड है क्या तुम्हें? अगर हम मर्द लोग घमंड करते ना तो तुम जैसे लोग हमारे सामने बात नहीं करते। देखो औरत और जमीन ये दोनों हमारे लिए भगवान है। और हाँ, जमीन के अंदर जाने से पहले औरत बनने की सोचो, उसके बाद यहाँ पर आके लेक्चर झाड़ना। ए, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपनी दीदी को लेके जाओ यहाँ से। ए, यो बे, तेरी बहुत जुबान चल रही है तेरी तो। गलत कर दिया बेटा, जो छूने के लिए सोचता है मैं उसे काट देता हूँ, और तूने तो सीधे हाथ उठाया, बचने का चांस ही नहीं है। No way! गधों सुनो रे, उस दिन मंदिर के बगल में तुम्हें मारने वाला था, लेकिन तुम लोग बच गए। अब ठीक हो जाने के बाद अगर तुम्हें कभी मुझे मारने का दिल करे ना तो मेरा नंबर ले लो, 9916572464। सिर्फ मिस कॉल दे देना, उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें मारने के लिए आ जाऊंगा। चार पांच लोगों को क्या मार दिया? अपनी मर्दानगी पर बहुत गुमान हो रहा है ना तुम्हें? अगर तुम सच में मर्द हो तो कोटेश्वर के घर आके दिखाना। किसका घर? सीतापुर में जो कोटेश्वर है उसका घर, वहाँ आकर साबित करना कि तुम मर्द हो या नहीं। क्या कहा? मर्द मर्द शादी करने के लिए घर तक आए या फिर बेडरूम तक आए, ये काफी है। यू इडियट। हेलो राजा। हेलो डायलॉग तो तूने बहुत बड़े बड़े मार दिए, अब उससे मिलने के लिए भी तू अकेले जाएगा क्या? अरे मैं अकेले थोड़े ही जाने वाला हूँ, तुम दोनों को साथ में लेकर जा। ये नहीं हो पाएगा भाई, पहले मेरा पैर तो ठीक करवा दे, हॉस्पिटल लेके चल मुझे। अरे हॉस्पिटल में दवा लेने से अच्छा दादी की बनाई हुई देसी दवा एकदम अच्छी है। ठीक से बैठ नहीं सकता है क्या? ये जड़ी बूटी का रस है, लगते ही दर्द खत्म हो जाएगा। अरे माजी ये सब रहने दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या आप हमें जानकारी देंगे भाई साहब, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस वजह से हुआ आप बताएंगे? अरे कब से पूछ रही हूँ, ये लोग बता ही नहीं। फालतूगिरी करेंगे तो फालतूगिरी होगी ना। अरे तुम भरोसा नहीं करोगे। हुआ क्या है वो बताओ ना। अबे तुझे तो खाने से लेकर पूरी कहानी बतानी पड़ेगी समझा। अबे चुप रहे यार, मैं बताता हूँ ना। वैसे हम तीनों लोग एक ही गाड़ी से जा रहे थे ना, तो ये दशावतार कमीना तुम्हारी तरह कुछ बकने लगा, तो हम तीनों के हिलने की वजह से वो गाड़ी संभाल नहीं पाया और सारे के सारे लोग गाड़ी से गिर गए। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये लोग आपस में आंख मार के आपस में ही मैसेज पास कर रहे हैं, लगता है ये लोग मुझे सच नहीं बताना चाह रहे हैं। अच्छा भाई साहब, अगर तुम गाड़ी नहीं संभाल पाए तो एक चीज हो सकती है, तुम लोग पेट के बल ही गिर गए होंगे, तो पेट पे कुछ खरोंच आई होगी ना, तो पेट की खरोंच दिखा सकते हो। रुको मैं खोल के दिखाता हूं। तुरंत चालू हो जाता है तू। श्री मंदिर मा रमण गोविंदा गोविंदा। ओहो क्या बात है माजी, आपने तो एक नया काम शुरू कर दिया है।
कहाँ जाओ दास जी, ये तीनों बंदर पता नहीं गाड़ी से गिरकर कहाँ से अपने हाथ पैर धुलवा कर आए। अरे माँ जी, हम तीनों का नाम क्यों ले रही हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, आपका पोता ही गाड़ी चला रहा था। हम तीनों गाड़ी से जा रहे थे और सामने से कार ने आके ठोक दिया, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए और ये रोड के किनारे चला गया। अरे माजी माजी माजी, आपका पोता नीचे गिरकर वापस उठकर खड़ा हो गया तो इसकी राशि में जो भी दोष थे वो सब उतर गए हैं। इसकी जिंदगी में मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था उसकी एंट्री हो चुकी है। अरे ओ पंडित जी, उसकी एंट्री में क्या रखा? उस लड़की ने तो खुद ही सामने से अपने घर में बुलाया है। अब फंस गए ना, फंस गए ना। मैं बोल रहा था ना, इनकी कहानी झूठी है, मामला कुछ और ही है। ऐसा है क्या? बता क्या मामला है। माँ वो ए, चुप बैठना। उसको क्या इशारा कर रहा है? दादी माँ, लगता तेरे पोते के करीब वो लड़की ज्यादा ही आ चुकी है और तेरा पोता उस लड़की के पीछे घूम रहा है। चुप करना। अबे घूमने फिरने की बात छोड़, तुम बेकार में आग में कुछ ज्यादा ही घी डाल रहे हो। अरे बंद करो इसे। ऐसा है क्या? मेरा बच्चा बहुत ही भोला है और तुम लोग पता नहीं उसके दिमाग में क्या जहर घोल रहे हो। बच्चा भोला है? तुम्हारे सामने बच्चा बनता है, बाहर बॉस बना फिर रहा है। बॉस हूँ क्या? अरे माँ, क्या है? ये जो पेटू है ना, मैं चुपचाप बैठा था तो ये खुद फोन करके इस काम के लिए आजा, उस काम के लिए आजा, ऐसे कर रहा था। कैसी बातें करते हो तुम लोग, थोड़ी तो शर्म करो यार। बगल में पंडित बैठा है, उसका भी लिहाज नहीं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पोते को गलत रास्ता दिखा रहा है। सिर्फ ये अकेला नहीं है बाजी, इसके साथ ये दोनों भी मिले हुए हैं। इन लोगों को क्या मालूम, समझ रही हो? पहले उठो, ये तीनों मिलकर मेरे पोते की इज्जत कर रहे हैं। चलो भागो, मारो मारो। इंसान का कोई भी दोस्त हो चलेगा, लेकिन इस तरह के दोस्त बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। दास जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं माँ जी, जिस लड़की के बारे में बताया था वो कोई और नहीं है। मैंने जिस लड़की के बारे में बताया था ये वही है, वही चांद जैसी लड़की आपके घर की बहू बनकर आने वाली है। सच कह रहे हैं? हाँ, उसके बाद आपके पोते की लाइफ चेंज होकर बहुत टॉप से भी ऊपर पहुंच जाएगी। सुनिए माँ जी, मैंने आज आपको बहुत अच्छी खबर दी है, आप खाने के लिए इसमें कुछ नहीं डालेंगी? क्यों नहीं दूंगी ना, देती हूँ। अरे ओ पंडित, बस अपने अरमान पूरे करने के लिए पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते हो, अब तो झाड़ू उठानी पड़ेगी। वेंकट रमन गोविंदा। अगर तुम मर्द हो तो कोटेश्वर के घर आके दिखाना, वहां आकर साबित करना कि तुम मर्द हो या नहीं। ये तो मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। दोबारा उसका मैसेज आने दो, हेल्प मी करके, फिर उसे मर्दानगी दिखाऊंगा। तुझे यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, चलो चलते हैं यहाँ से। तू कौन है और मुझे क्यों लेके जा रहा है? हाथ छोड़। अबे हेल्प मी का मैसेज तूने ही तो किया था ना मुझे, इसलिए मैं तुझे बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, वो लोग तुझे मार डालेंगे। चल उठ, चलते हैं यहाँ से। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे मुझे। हे भगवान, तुझे अपाहिज बना दिया क्या? तेरे तो हाथ पैर कुछ भी नहीं हिल रहे हैं, जरा हाथ दिखा आपने। अरे कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्या? अरे बाप रे, अब इसे कैसे लेकर जाऊंगा मैं? अच्छा ठीक है, डर मत, कल मैं खुद आकर तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। मैं कल जरूर आऊंगा। हाँ, कल जरूर आऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। जल्दी इधर आओ, कोई घर में घुस आया है। भाई 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 भाई, क्या हुआ भाई? कोई अंदर आया था भाई। दो लोग तो भाई मुझे मारना चाहते थे भाई, एक मुझे लेके जाना चाहता था। देख कौन होगा, तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से सो जा। हाँ बेफिकर रहे, तुझे कुछ नहीं होगा। उसने बोला है कि वो कल फिर से आएगा। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। ए काशी। हाँ भाई। तू आज रात यही रो, ठीक है भाई, और इसका ख्याल रख। ठीक है भाई। हाँ चलो, हो गया, लाओ दो पैसे लेकर जाओ। पम्मी आया तेरे दीदार। अरे रे, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, नया बिजनेस शुरू किया क्या तूने? हाँ सही कहा आपने।
तुम कभी 3 महीने में कभी 6 महीने में रंग बदलते रहते हो। तुम्हारे पिताजी ने दशावतार ठीक नाम रखा है तुम्हारा। अरे क्या हो गया, लंगड़ा क्यों रहे हो? ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है। तेरे लंगड़ाने से मेरी बेटी का क्या संबंध है रे गधे? इस नए धंधे का आइडिया आपकी बेटी ने ही दिया था। मेरी तो अपना सामान लेकर के मैं मम्मी से पूजा कराने आया। मेरा मतलब है साड़ी पेटीकोट लहंगा चोली। तो तू ऐसा बोलना, चल दे दे अंदर लेकर जाओ बेटी, हाथ पैर धो लेना और पूजा कर लेना। ससुर जी पता इसमें क्या है? अब ये क्या है रे? अरे रे, हार लाकर मेरा स्वागत करना चाहता है? रहने दे। अरे रहने दे बेटा। अरे आपके लिए नहीं, साइकिल के लिए लेके आया। और आप खुद पहनने के लिए बोल रहे हैं? लगता है ये दशावतार ने कोई नया धंधा शुरू किया है। ये तेरा हार एक तरफ जा रहा है, बीच में कर उसे भी ठीक कर। ए कपड़े के व्यापारी, तेरी साइकिल कपड़े का तो भार नहीं उठा रही है और तू माला का भार उसपे दे रहा है। ये क्या है, अंदर की चीज तू बाहर क्यों दिखा रहा है? इसे तुझे क्या लेने देना, पूजा करनी है इसकी। बुरी नजर वाली की आंखें फूट जाए। ओम लहंगाए नमः, ओम साड़ियाए नमः, ओम लहंगा चोलियाए नमः, ओम साइकिलाए नमः। चलो तो बच्चों इसे प्रार्थना करो। आज मेरे सारे कपड़े बिक जाए। ये दशावतार अच्छा दिमाग लगा के बाप बेटी को फंसा रहा है। इस तरह का आइडिया मुझे क्यों नहीं दिया भगवान। यहाँ पूजा चल रही है, तू क्या पाठ पढ़ रहा है? हाँ तू भी हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान कर, समझा? कर रहा हूँ ना, कर ही रहा हूँ मैं। मामा वो लोग तो जवान है, तुम्हें तो अक्ल होनी चाहिए ना, उनके हाथों क्यों पूजा करवा रहे हो? अरे ये बेचारा कुछ अच्छा करना चाहता है, उसे करने देना। अगर तुझे करना है तो तू भी कुछ अच्छा कर। ससुर जी ने ठीक कहा, उसे पूजा करने का मौका कौन देगा? मेरी बेटी पूजा कर रही है, तू प्रसाद ले लेना और खा कर निकल ले यहाँ से। जा पम्मी बेटी, मैं जरा बगल में जाकर आता हूँ, तू अपना ध्यान रखना। ये लो प्रसाद खाओ। कैसा लगा? मैं ये सब नहीं खाने वाला, नहीं खाऊंगा। कम से कम लड्डू तो खा लो। लड्डू खा सकता हूँ, दो लड्डू खाऊंगा। फिर कहीं का? ए, तेरी इतनी हिम्मत इसके हाथों पूजा करवाता है? जलन क्यों हो रही है? आकाश में देखने के लिए नागेश से पूछना पड़ेगा। हाँ नहीं है नागेश है? मुझे क्या पता कौन है? जिस देवता को जानता नहीं उसका नाम ले रहा है, झापड़ दूंगा खींच के। वो सब मेरी मर्जी है, तू कौन होता है पूछने वाला? इसका घर वाला हूँ। मम्मी रोड के कुत्ते ऐसे भौंकते रहते, तुम्हें जो चाहिए ले लो। मेरे पास पैसे? कौन हरामखोर तुमसे पैसे मांग रहा है? बस ब्लाउज में हाथ डालो और 1 रुपए दे दो। पम्मी उस सड़क छाप का पैसा हमें क्यों चाहिए, मैं खुद तुम्हें देता हूँ। मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, पम्मी पैसे देगी मैं वही लूंगा। अबे पैसा कहीं से आने दे, पैसा पैसा होता है, तू निकल। अबे तेरे पैसे चाहिए किसको, मैं चाहूँ तो फ्री में दे दूंगा। आया फ्री में देने वाला, चल रख चप्पल से मारूंगा तेरे को मैं। तुझे क्या लगता है मेरे पास चप्पल नहीं है क्या? सुन बाला, क्या हमारा झगड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको निपटाते हैं। हां अबे ओए हॉलीवुड, रुक रुक रुक, इधर आ इधर आ, अभी तेरी कमर लेता हूं। रुक रुक, अरे क्या हुआ, इस तरह भागने की क्या जरूरत है तुमको? अरे ये कमबख्त हॉलीवुड हमारा मजा किरकिरा करके यहाँ से भाग गया। अरे वो सुन बाला, ये सब होने तक तू घास काट रहा था क्या? ये सब इस कमीने की वजह से हुआ, जहाँ भी मैं जाता हूँ पीछे से के टांग खींचने लग जाता है ये कमबख्त, कहीं का छोड़ता नहीं मुझे, इसे तो मैं तंग आ गया हूँ। ए मैं कहीं पे भी जाके कुछ भी करूँ तेरा पिछवाड़ा क्यों जल रहा है? मेरा पिछवाड़ा नहीं जल रहा है, मेरा दिल जल रहा है। अबे थू तुम लोग की, तो ये क्या कोई संतूर साबुन है क्या, जो मुंह पे थोड़ा सा लगा लिया और फिर बॉडी पर थोड़ा सा लगा लिया? चलो तैयार हो जाओ, वीरप्पन मंदिर में थोड़ा सा काम है हम लोगों को। चलो देरी में बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। देरी ये भी होगा? अरे चल चलते हैं। अरे नहीं नहीं मुझे बहुत काम है। अरे काम तो बाद में भी देख लेंगे, तो चलना रास्ता छोड़, रास्ता छोड़, चल 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 चल, जाने दे उनको। अबे रुक, ए ए रुक रुक रुक, अरे रुकना, ए ए रुक रुक राजा, ए राजा रुक जा राजा। अबे दोस्त है के दुश्मन है? अबे कैसा दोस्त है तू, हम लोगों को वहीं छोड़कर तू यहाँ तक आ गया? अरे बाप रे ये तो कमाल हो गया, तुम लोग पीछे नहीं बैठे थे क्या? क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। हम लोग गाड़ी पे बैठे नहीं है, तेरे को पता नहीं चला और तूने गाड़ी भगा दी? इतनी सी गाड़ी पे कितने लोग बैठेंगे, ऊपर से ये आदमी दारू मिल रही है सुनते ही अपने साथ मुझे भी दौड़ा दिया इसने। तू
मुझे तो दारू मिलेगी ये सोच के आया। तू क्या कुछ और सोच के आया था? तेरी तो। अच्छा मैंने सोचा था कि तू गाड़ी भास्कर बार के पास रोकेगा या वेंकटेश्वर होटल के पास रोकेगा। वीरेश्वर टेम्पल के पास तू आ गया, इतना अर्जेंट क्या था यार? वो देखो आ गया। अच्छा राजा, मैंने उस दिन मजाक में बोल दिया, वही सच हुआ ना? अरे कैसा मजाक और कौन सा सच? हाँ तुम दोनों आंखों आंखों में सिग्नल दे रहे थे, मैंने देखा नहीं क्या? अबे सिग्नल विग्नल कुछ नहीं है, अगर मर दो ना तो कोटेश्वर के घर में आकर दिखाओ, ऐसा उसने चैलेंज किया था, इसलिए मैं कल रात को उसके घर गया था। मतलब तूने उसके घर जाके मर्दानगी दिखा दी क्या? हाँ? कैसा था? क्या क्या किया? कद्दू की तरह दिख रहा था, बड़ा आया पूछने वाला। वैसे राजा कल रात को डिंग डोंग डिंग हुआ कि नहीं? यहाँ बताना। अबे मैंने भी वही पूछा था, कैसा लगा था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे मोबाइल में हेल्प मी करके जो मैसेज आया था ना, कोटेश्वर के घर से ही आया था, इसलिए उस लड़की ने कोटेश्वर के घर में ही मुझे बुलाया था तो मैं चला गया। मच्छर मारने के लिए गया था क्या? अरे नहीं यार, मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि कमरे में किसी शख्स को जान से मारने की कोशिश कर रहा था वो, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो बचकर निकल गया। उसके बाद वहाँ पर जो सो रहा था वो भाई मुझे बचाओ ऐसा चिल्ला रहा था। जिसने मैसेज किया था वो तुम ही हो ना? इस तरह सवाल करके उसे मैंने ऊपर उठाया था, उसके हाथ भी नहीं हिल रहे थे भाई, ऐसे चिल्लाकर कमर पकड़ के वापस गिर गया। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन वो कौन है और उसकी ऐसी हालत क्यों कर दी गई है, यही सवाल करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे मेरे भाई, ये पूछने के लिए तुझे हम लोग ही मिले थे क्या? तू उससे पूछेगा और वो तुझे गाली देगी। पहले ही अपना एक पैर तोड़वा चुका हूँ, इस बार दूसरा तोड़ देगी, फिर मेरी पम्मी का क्या होगा? पम्मी का क्या है? पम्मी के बारे में क्या? पम्मी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। अरे पंप से पानी छोड़ना, उसके बारे में बोल रहा था। पंप नहीं, अबे अपना कान साफ करवा, बोला था तूने। ए मामा, आज के बाद मुझे दारू के नाम पे दौड़ाओगे ना, तो याद रखना। ए रुक, मैं आ रहा हूँ। आजा आजा आजा, रुक जा। अरे पम्मी रे, राजा अरे तू किसके ख्यालों में खोया हुआ है? गाड़ी तो चली गई। वो चली गई क्या? हाँ अभी गई। अच्छा मामा, हाँ कभी कभी वो मुझे देखकर हंस रही है, कभी गुस्सा भी कर रही है। उसे क्या हो गया है मामा? उसे प्यार की बीमारी लग गई है। हाँ मामा, जो अपाइज वहाँ पर बेड पर लेटा हुआ है उसे किसी भी तरह आज रात को उठाकर ले आना है, तो चलो यहाँ से। क्या मैं? हाँ तो ये कमीने यहीं पर सो रहे हैं, ऐसे में तो मेरा जाना मुश्किल होगा, क्या करूं? अरे बाप रे, ऐसे नरक में भी ये इतनी गहरी नींद सो रहा है, कितना बड़ा पागल हो सकता है ये। अरे बॉस, ओ बॉस, मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा, ये देखो जाल रस्सी सब कुछ लेके आया हूँ, बस तुम्हें उठाकर यहाँ से ले चलना है और कुछ नहीं। ओके ओके। अरे ये कौन है हथियार लेकर खड़े हो? किसी ने कल मुझे ले जाने का वादा किया था, काट डालो इसे। इस कमीने अपाहिज ने मुझे मदद के लिए बुलाया और मुझे ही काट कर फेंकने के लिए कह रहा है, तेरी तो भाई।
उसे भागने मत देना, पकड़ो उसे। चलो चलो ढूंढो, यही होगा। हाँ भाई, चलो चलो ढूंढो भाई, इस तरफ होगा। भाई यहाँ तो कोई नहीं है। तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ। तुम मुझे इन लोगों से बचा क्यों रही हो? आखिर क्या जरूरत है बचाने की मुझे? हाँ, तुम्हें हेल्प मी का मैसेज जिसने भेजा था वो मैं ही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। प्लीज प्लीज मुझ पर यकीन करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ और इस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। कल तुम मुझे मंदिर में मिलो, अब इस वक्त यहाँ से जाओ प्लीज। अगर तुम बीच में नहीं आती ना तो मैं उन सबकी हड्डी पसली तोड़ देता। अरे यहीं कहीं होगा, चलो ढूंढो जल्दी करो। ठीक है भाई, ठीक है। मेरी वजह से तुम इनके हाथों मत आ जाना, प्लीज यहाँ से जाओ। इधर से नहीं, उधर से जाओ। अरे वो कहीं बाहर ही होगा, चलो ढूंढो। भाई हाँ, लगता है बचकर भाग गया। यही रोक दो। बेटी बेटी। अबे राजा कौन है वो? अरे मुझे क्या पता यार। देखो अपना ध्यान रखना। लगता है ये लोग तुम्हारे रिश्तेदार हैं यार। हाँ बोल लो जो बोलना है बोलो, चलो। ए, ए। संभल कर रहना बेटी। ठीक है बेटी, चलता हूँ। ठीक है माँ, चलती हूँ। आप लोग यहीं रुको, मैं अकेले जा सकती हूँ, मैं दर्शन करके आती हूँ। हाँ ठीक है। वो तो यहीं पर था, कहाँ चला गया? हुआ? शॉक्ड हो गई क्या? अरे तुम्हारे आदमियों को मैंने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा है, समझे? अब ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? देखो मैं डरने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ। अभी पता चल गया ना कि शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े को उखाड़ कर फेंकने वालों में से हूँ मैं। मेरे साथ ही खेल खेल रही हो क्या? अरे प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। इनके दम पे मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगी? मुझे लल्लू समझ के रखा है क्या? अब चलो मेरे साथ चलो। अरे चुपचाप चलो, चलो आओ चुपचाप आकर आओ। ये सोचा था ये कुछ करेगा लेकिन तो मंदिर के अंदर लेके जा रहा है। वो कुछ तो करेगा। क्या करेगा वो? प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना प्लीज। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? अब बाहर तुम्हारे आदमी लोग बैठे हैं ना, तो वहाँ पर हम दोनों कुछ बात कर नहीं सकते, इसलिए ये ड्रामा ये बिल्डअप देना पड़ा। रात में आकर मंदिर में मिलो, कुछ बातें करनी है, ऐसा बोल रही थी ना। बताओ क्या बात है? वैसे तुम खुद ही सामने से बोल रही थी कि कुछ बताना है, अब बताओ क्या बताना है, बोलो ना। मैं बहुत बहुत तकलीफ में हूँ मैं। हाँ? अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। तुम तकलीफ में हो? सच बताओ, तुम उस कोटेश्वर की बेटी हो ना? नहीं नहीं सच में नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो इतने लोगों को तुम्हारा बॉडीगार्ड्स बनाकर भेजता क्या? सच बोल रही हूँ, मेरा और उस कोटेश्वर का कोई भी संबंध नहीं है। हैं? मुझ पर विश्वास करो, आज जो कार में आए थे ना वही मेरे असली माँ बाप हैं। तुम क्या बोल रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो है साफ साफ बताओ ना। दरअसल मैं बैंगलोर से हूँ, सभी लोगों की तरह मैं अपने माँ बाप के साथ उत्सव के लिए गाँव में आई थी और उस दिन
छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो। बहुत जल्द हो जाएगा, हाल तुम एनर्जी बर्बाद मत कर। इसने जो गलती की है वो यही ठीक करेगी। इसके ठीक होने के बाद इसके साथ इसकी शादी होगी। तब तक तुझे यही रहना होगा, मेरे भाई के देखभाल की सारी जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर तूने कुछ होशियारी दिखाई ना तो देख लेना। ए भाई, इन दोनों को ले जाओ और अपने पुराने बंगले में बंद कर दो। अगर इन्होंने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसकी लाश मिलेगी, और अगर तूने कुछ चालाकी दिखाई तो इन दोनों की मैं समाधि बना दूंगा। लेकर जाओ मेरी बेटी को, छोड़ दीजिए। यही मेरी कहानी है, और उस दिन से ही मैं और मेरे माँ बाप इन लोगों की वजह से हर रोज नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। देखने वाले इन्हें मेरा बॉडीगार्ड समझते हैं, लेकिन मैं कहीं भाग ना जाऊं इस डर से ये लोग मेरे साथ रहते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर मैं मंदिर में पूजा करूंगी तो तुम्हारे भाई की सेहत ठीक हो जाएगी। यही झूठ बोलकर रोज आती हूँ, ये सोचकर कि शायद यहाँ कोई ना कोई मुझे ऐसा मिलेगा जो मेरी मदद कर सकेगा। उस दिन तुम्हें जब पहली बार देखा था मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन तुमने मेरी आंखों के सामने इतने गुंडों को मार गिराया, वो देखकर लगा कि मुझे मेरी तकलीफ से बाहर लाने वाले सिर्फ तुम ही हो सकते हैं। इसलिए उस दिन मैंने हेल्प मी वाला मैसेज भेजा था तुम्हें, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। मैंने उस रात कॉल किया था, लेकिन किसी ने फोन उठाकर जो मुंह में आया गाली बक दी। वो फोन मेरा नहीं है, वो कोटेश्वर की बीवी का है। जिस दिन तुमने कॉल किया होगा तो मुझे लगता है उसी ने उठाया होगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भले ही तुम मुझे ना बचा पाओ लेकिन मेरे माँ बाप को किसी भी तरह उनसे बचा लो। अरे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तुम तो मेरे हाथ पकड़ने वालों में से पैर नहीं पकड़ते। क्या कहा? मेरा मतलब मैं बहुत ही छोटा हूँ ना, मेरे पैरों में तुम गिरो, इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ मैं। और डरो मत, मैं ना तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पापा को, सभी को बचा सकता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मानूंगी। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। प्यार करना होगा? वो क्या है ना, मतलब रियल नहीं, रील वाला प्यार, लव करने जैसा ड्रामा करना होगा। करोगी ना? करूंगी। अभी तुम्हें क्या करना है बताऊंगा तो, समझ गई ना? तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारा हाथ यहाँ क्यों? ड्रामा ड्रामा, मैंने बताया था ना। हाँ। अभी से शुरू करना पड़ेगा, चले क्या? ठीक है, ये रियल नहीं है, रील वाला है। अरे ये क्या? अबे संभल के पैर रखा कर, ध्यान कहाँ है तेरा? अरे राजा, जाते समय गले में चाकू था और आते समय कंधे पे हाथ है, क्या बात है भाई? लगता है साथ में पूजा की है। ए चुपचाप खड़ा रहना। मैंने कैसे इसे जाल में फंसाया बताता हूँ, बस देखते जाओ। ये राजा की रानी है, देखते रहना। ओए स्टॉप, टर्न बैक। अबे ये तो सीधी गाय की जैसी इसकी बात मान रही है। अबे इसने सिखाया होगा। हाँ। इसने कैसे सिखाया वो जान के पम्मी को भी वैसे ही फंसाऊंगा। हाँ, मैं। अबे तू क्या सिखाएगा उसे? तू अपना काम कर बे, पम्मी को मैं सिखाऊंगा। अरे ये तो आंख मार रही है। ये रील नहीं, रियल है। अरे सब लोग देख रहे हैं। अब ए चलो छोड़ो छोड़ो, दूर दूर हटो दूर हटो, यहाँ से चलते बनो, आज के लिए इतना काफी है, चलो यहाँ से चलो। बढ़िया है। अगर कोटेश्वर ने कुछ पूछ लिया तो उसे बता देना ये सब राजा की वजह से हुआ है। चलो निकलो यहाँ से। अगर इसके बाद भी उसने ज्यादा बोला ना तो अपने भाई को नंबर दे देना, मेरा भाई आके हड्डी बकरी तोड़ देगा। ये भाई ये सब बहुत जरूरी है क्या तेरे लिए? अरे नहीं गुरुजी, इतने दिनों से तुम डायलॉग मारते थे, आज मैंने मार दिया। मेरा फोन नंबर भी दे देना यार, मैं गणित में थोड़ा वीक हूँ। ए गणित मास्टर जरा नंबर बता। नंबर कहाँ से दूं मैं? नंबर का जेब में रख के घूम रहा हूँ मैं, तेरे पास है तो तू दे दे। ए तू देना। अबे नहीं है मेरे पास। अरे तीनों में से कोई एक तो दे दो भाई। ले लो तुम लोग मेरा नंबर 9916572464। ए रस्सी खोल दो रे इनके,
और जाने दो इनको। भाई वो आ रही है, इतना लेट क्यों हुआ? कहाँ गई थी तू? बोल। जब हम वापस आ रहे थे तो राजा नाम के लड़के ने हमें रोक लिया। मंदिर के पास हमें रोज मिलता है और जबरदस्ती आकर झगड़ा करता है। तुम सब कहाँ मर गए थे? भाई वो हम सबको पीट के रस्सी से बांध दिया था। तू है तुम सब पर, खा खा कर सब हाथी हो गए हो तुम लोग। इतने लोग थे ना, एक अकेले को नहीं मार पाए। मारा मारी उसने की ही नहीं, वो मुझे जबरदस्ती मंदिर के पीछे ले गया और मुझे किस भी कर लिया, और ये भी कहा कि तुमसे ही शादी करूंगा। बोल रहा था कि अगर घर वालों में हिम्मत है, अगर कोई मर्द है जिसमें ताकत है तो मेरा फोन नंबर दे देना और मुझे फोन करने को कहना, मैं आकर सबको मारूंगा। ए, उसका नंबर बता। नंबर ए भी छोड़, नंबर बता। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, नंबर बता। 9916572464। वो अपना नंबर बार बार बोल रहा था ना, इसलिए मुझे उसका नंबर याद हो गया। हेलो। हेलो, राजा बोल रहा है। हाँ राजा बात कर रहा हूँ, तू कौन है? इससे पहले तेरी आवाज नहीं सुनी। मैं काशेश्वर हूँ, कोटेश्वर का छोटा भाई। अरे बाप रे, मेरी घरवाली के घर से। हाँ बोलना बोलना। मैं तो इंतजार में था कि तुम लोग कब फोन करोगे, तुम्हारे आदमियों ने फोन नंबर दिया ना मेरा। ए, हमारे घर की बेटी के साथ तेरी मिलने की हिम्मत कैसे हुई? दूसरे घर की लड़की तेरी बेटी कैसे हो सकती है गुरु? जिसके साथ तेरा कोई संबंध नहीं है उसके बारे में दखल अंदाजी मत कर। अबे दखल अंदाजी करने के लिए मुझे कोई मामूली पंछी समझ के रखा है क्या? मुकाबला करने वाला शेर हूँ मैं। वहाँ जो खड़ी है ना वो लड़की, वो मेरी होने वाली बीवी है, ऐसा मैंने फिक्स कर दिया है। और तुम लोग भी फिक्स कर लो। और आगे सुन, तुम सबको मार कर तुम्हारे घर के अंदर घुस कर अपनी होने वाली बीवी को उठा कर ले आऊंगा, इस बात की गारंटी है। तब तक तुम लोग मेरी बीवी के वॉचमैन बन के रहना। ए सुन, वो जहाँ रहती है वो कोटेश्वर की कोठी है। अगर तू एक बार वहां पर आ गया तो वहां से निकलना मुश्किल है। मेरे किले के अंदर पैर रखा तो तुझे अर्थी पे सुला दूंगा। तुम्हारे चक्रव्यूह में फंसकर मरने वाला मैं कोई अभिमन्यु नहीं हूँ, इस देवनली गांव का राजा हूँ। हड्डी पसली एक कर दूंगा। जो तू बोल रहा है ना, वो करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ताकत चाहिए। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, समझ गया ना? ताकत भी उसी तरह होती है। अब तो मुझे तुम्हारे लिए वहाँ आना ही पड़ेगा। आ रहा हूँ मैं, तेरी चर्बी उतारने के लिए वहाँ पे आ रहा हूँ। फोन रखूं क्या? ए, वो कौन है, कहाँ है, किस गांव का रहने वाला, उसकी माँ कौन है, बाप कौन है, सब पता करके उठाओ उसे। जाओ। ए, तुम ये रुको, तुम लोग मार खा के आए हो ना, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई। सुन भाई, आज एक फैसला करना ही पड़ेगा। पम्मी से बात करके मैं मना लेता हूँ, तू बीच में नहीं आएगा, और तू मना लेगा तो तू मेरे लिए उसे छोड़ दे। ये दोनों तो एक ही बात हुई भाई, दिल पे क्यों ले रहे हैं? भाई हम यहाँ किस काम से आए थे और क्या काम कर रहे हैं? अरे काम तो बाद में देख लेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला, कब आए तुम दोनों? तुम जब पंप मार रही थी ना तभी आए थे। ओह, मुद्दे की बात कर। देख पम्मी, आज कोई फैसला होकर रहेगा। कौन सा फैसला? तेरे पीछे पढ़ पढ़ के तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तू मुझसे प्यार करती है या इससे प्यार करती है, इस बात का फैसला हो ही जाए। ये तो प्यार में पागल हो गई है। चल काम पे लगते हैं। चल मम्मी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अबे तेरी तो भिखारी कहीं के। अबे रुक रुक रुक, क्या बात है? अबे रुक रुक, बहुत आशिक बन रहा है। मर मर मर, हम दोनों बरसों से पम्मी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं और तू हमारा खेल खराब कर रहा है। गाना बजा के लड़के पटाएगा, आज गाना ही बजाता हूँ तेरा। पम्मी को पटाएगा? अरे मुझे पागल मार रहे हो भाई। सुन बे,
आगे से ये गले में रेडियो डाल के हॉलीवुड का गाना बजाता हुआ तू आगे आया ना, तो ये जो तेरे कोयले का धंधा है ना उसमें आग लगा दूंगा बे। ये दोनों मेरे प्यार को परेशान कर रहे हैं, कुछ भी करके इन्हें लाइन पे लाना ही पड़ेगा। सही किया ना बोले, उसको पहले ही यहाँ से भगा देना चाहिए था। हाँ पम्मी, क्या फैसला किया तूने, जल्दी से सुना दे हमें। वो क्या है ना, वो क्या है ना, मुझे तुम दोनों ही पसंद हो, इसीलिए मैं तुम दोनों से ही शादी कर सकती हूँ। और इसके लिए, इसके लिए तुम दोनों में से जो सबसे पहले बिना पहिए की गाड़ी चला कर लाएगा उससे ही शादी करूँगी। कैसी लड़की है ये, बिना बकरे के बकरीद मना सकते हैं लेकिन बिना पहिए की गाड़ी कहाँ से लाएंगे। मैं वो सब नहीं जानती, मैंने जो भी कहा वो करो, बिना पहिए की गाड़ी लाओ मेरे लिए काफी है। अबे यार, लगता है पहिए में हवा भर भर के इसे पहिए से नफरत हो गई है। यार अगर ये ऐसा ही करती रही ना तो मुझे लगता नहीं कि शादी करके बच्चे पैदा कर पाएंगे। हमें अपने हाथों से ही खुद की गाड़ी को हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा कहते हो, चलो अपने अपने काम पे ध्यान देते हैं फिर। ए, इतना जल्दी दिल क्यों छोटा करता है, साइकिल वाली नहीं तो बर्तन घिसने वाली तो मिली जाएगी ना। बर्तन वाली को भी तो जानता है क्या, इसका मतलब तुम भी जानते हो क्या। साइकिल वाली से नहीं तो बर्तन वाली से तो काम चलाना पड़ेगा ना। चल चल। अरे दादी माँ, क्या हुआ? ओ यहाँ हो क्या, क्या बात है? अच्छा दादी माँ, ये पकड़ो ना, गजरे का फूल है, फोटो पर चढ़ाने के लिए। राजा कुछ भी कह लो, तू बिना बोले उसकी फोटो पर गजरा चढ़ाने के लिए ले ही आता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि गजरे का फूल आपकी बेटी को बहुत पसंद है। सुनो ना, मेरी माँ कहीं भी हो, ये गजरे का फूल देखकर उसे हमेशा से बहुत खुशी होती थी। दादी माँ, क्या हो गया तुम्हें? अगर आज वो जिंदा होती तो अपने बेटे को देखकर कितना खुश होती। दादी माँ, भले ही बच्चे चाहे जैसे भी हो लेकिन माँ की ममता का प्यार जिसे नहीं मिला वो अनाथ ही तो है ना। तू ऐसा क्यों बोल रहा है रे, मैंने तेरी अच्छे से देखभाल नहीं की है क्या? ऐसी बात नहीं है, सभी लोग अपनी माँ के बारे में मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है बोलते रहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ कि मेरी माँ कैसी थी। फिर भी जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ अभी भी मेरे साथ ही है। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन दादी, जिसके माँ बाप हैं उनसे अलग होकर जीना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल होता है, मर जाने के बाद वो लोग कभी वापस नहीं आएंगे, ये बात तो निश्चित है। ऊपर से माँ बाप के जिंदा रहते जो लोग उनसे दूर रहकर जीते हैं ना, उनकी जिंदगी नरक है। जो तकलीफ जो दर्द वो झेलते हैं वो उन्हें ही पता। बेचारी, वो लड़की कैसे बर्दाश्त कर रही होगी किसे पता। किसकी बात कर रहा है? नहीं वो क्या है ना, नहीं कुछ नहीं, जाने तो छोड़ो। राजा, राजा। अरे चुपचाप यहाँ बैठ, अभी अभी तो आया है तू, और कोई बुलाने आ गया, तू यहीं रुक, मैं जाकर देखती हूँ। ये लोग कौन है, ये तो सड़क छाप गुंडे लग रहे हैं। ए बुड्ढी, राजा घर में है क्या? हाँ है, पर तुम सब कौन हो? राजा को बाहर भेजो फिर बताते हैं कौन है। ए, बता रहे हो तो बताओ वरना जाओ यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। अगर वो घर पे नहीं है तो देख क्या रहे हो, बुढ़िया को उठा लो। अरे छोड़, अरे छोड़, राजा 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 बुला राजा को, देखता हूँ वो क्या करेगा। राजा, राजा
अच्छा मेरे घर में आओगे? नदीमा जाकर रस्सी लेकर आओ, इन्हें बांध के रखता हूं। बोलो कौन हो तुम लोग? मुझे ढूंढते हुए आए हो और मेरी दादी को ले जाने की सोच रहे हो? किसने भेजा है तुम लोगों को यहाँ? बोल। बोलता क्यों नहीं? हाँ? इतने सालों के बाद मेरा पोता मेरी गोद में आराम से सो रहा था, आराम से बात कर रहा था और तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। बता किसने भेजा है तुम लोगों को? कोटेश्वर। हाँ? दादी माँ आप किसी भी हालत में इनकी रस्सियां मत खोलना। उस कोटेश्वर के बंगले में मैं खुद जाकर दीपावली मनाकर आता हूं, देखना। यही सही वक्त है, अभी करती हूं। क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद कर रही है? तुझे खत्म करना है इसलिए। तू मुझे मारेगी? इतने दिनों से तुझे मारने की जो कोशिश कर रहा था वो मैं ही थी, लेकिन आज मुझे तुझे मारने का सही मौका मिला है। नहीं, मेरी बात मानो, ये ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक करने के लिए ही तो तेरा मरना जरूरी है। तू मर जाएगा ना तो तेरे साथ मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए। नहीं नहीं भाई, भाई बुला, भाई 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 मुझे बचाओ भाई। और चिल्ला, आ गया हूं मैं। तू? हाँ मैं ही। उस दिन तुम मुझे बचाने के लिए आए थे, आज ये मुझे मारने के लिए आई, प्लीज मुझे बचा लो। जब मैं बचाने के लिए आता हूँ तो तुम लोग मुझ पर तलवार उठाते हो, वो तो अच्छा हुआ कि मेरी डार्लिंग ने मुझे आके बचा लिया। क्या? डार्लिंग? और क्या, क्यों डार्लिंग, तुमने बताया नहीं क्या? ए, उसके कंधे से अपना हाथ हटा। इतनी सी बात में तुम इतना उछल रहे हो तो कैसे चलेगा बॉस, बोलो डार्लिंग। देखना मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, पहले से ही तेरे हाथ पर काम नहीं कर रहे, ऊपर से तुझे इसके साथ शादी करनी है क्या? अरे इससे बात करके टाइम क्यों वेस्ट करें, चलो मारते हैं। डार्लिंग इसे मारने से पहले एक छोटा सा मनोरंजन करते हैं, बाद में हम खत्म कर देंगे। डार्लिंग जरा इसका आशीर्वाद ले लो। ससुर जी अरे ये क्या, ऐसे बेवड़े की तरह सोया हुआ है? लगता है दारू पी के टुन हो गया है। क्यों? कमाई अच्छी हुई होगी ना। तू अपनी बकवास बंद कर। क्या हुआ होगा जानता है? हा? इसको कहीं लटकने की जगह नहीं मिली होगी, जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ आया होगा, खंबे से इसने फांसी लगाई होगी, लेकिन खंबे से फिसल फिसल कर नीचे आके गिर गया होगा। ए रुक रुक रुक, ये मरा वरा नहीं है, देख इसने चिट्ठी दी है। अरे अपनी बेटी को छोड़ के चल बसा क्या मेरे ससुर? रुक जरा पढ़ता हूँ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे राजकुमार बहुत पसंद है, बिना पहिए की गाड़ी हो तो भी पसंद है। राजकुमार हॉलीवुड का फैन है और उसने मुझे बिना पहिए की गाड़ी दी है। अरे ला मुझे दे। और इसीलिए मैं उससे ही शादी करने के लिए जा रही हूँ पिताजी, हॉलीवुड जाकर एक दो बच्चे हो जाने के बाद मैं खुद वापस आ जाऊंगी, तब तक आप मेरा इंतजार कीजिए। टाटा बाय बाय। रोना तो मुझे चाहिए ना, तुम लोग मातम क्यों मना रहे हो? मेरी नादान बेटी पम्मी को कोई राजकुमार भगा कर पता नहीं कहाँ ले गया। चुप करिए ससुर जी, वो गले में रेडियो डाल के राजकुमार का गाना बजा के ऐसे ही नहीं घूम रहा था वो। बिना पहिए की गाड़ी बोल रही थी तभी समझ में आना चाहिए था, तू भी तो बेवकूफ है। अबे यार अब आगे क्या करें ये बता। उस कमीने ने बिना पहिए की गाड़ी दिखा के मम्मी को अपने जाल में फंसा के हमेशा के लिए ले उड़ा वो। तो अब मैं क्या करूँ? सब कुछ होने के बाद क्यों रो रहा है तू? जिस लड़की को घर के अंदर रखना चाहिए उसे घर के बाहर काम पे लगा दिया, अब वही लड़की किसी राहगीर के साथ पेंच लड़ा के भाग गई। रोते रहे। श्री मंत्र रमा रमण गोविंदा 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 गोविंदा। अरे रे 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 रे।
सुनिए माँ जी, आपका दरबार घर के सामने नौकर चाकर इतने सारे आदमी को खंबे से बांध कर रखा है। मतलब जैसे मैंने बोला था, तुम्हारे पोते की जिंदगी में एक लड़की आएगी, तुम्हारा पोता बहुत टॉप पे चला जाएगा, ऐसा मैंने कहा था। वो सच हो गया ना गोविंदा? अरे तुम तो अपना मुंह बंद रखो। क्या हो गया माँ जी? इतने दिनों तक तुम्हारे मुंह में घी हो, तुम्हारे मुंह में शक्कर हो, ऐसा बोल रही थी, आज क्यों चुप रहने के लिए बोल रही हो? तो फिर और क्या करने के लिए कहूँ? अगर मैंने नजरअंदाज किया होता तो इन लोगों ने मेरे पोते को कप का ऊपर पहुंचा दिया होता गुंडे कहीं के। रुको मैं दिखाती हूँ। अरे बहनों तुम सब यहाँ आ जाओ, इस पाखंडी की मिलकर धुलाई करेंगे। कहाँ भाग रहा है तू? श्रीमंत रमा रमण गोविंदा। ए, छोड़ना यार, उसने ऐसा कर दिया ये सोचकर तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो भाई? अबे यार राजा, तम्मी ने हमको धोखा दिया इस बात को लेकर हम लोग उदास नहीं है। तो फिर हम उसके लिए बिना पहिए की गाड़ी नहीं ला पाए, उसी का अफसोस है। अबे मैंने तो उधारी लेकर जरूरत के सारे कपड़े लाकर उसे दिए थे, अब तो इन हाथों से कुछ भी नहीं होने वाला। पता है उसी की खुशी की खातिर मैंने ये कपड़े का धंधा शुरू किया था। अरे कमीनो, तुम दोनों ने इतना जो काम किया है ना, इसके लिए उसने अच्छे से सबक सिखाया है। अरे छोड़ो यार, हम दोनों भी यही बात कर रहे थे, हम दोनों ने तो उसका कुछ किया ही नहीं। तो रुक जाओ, मैं फोन करता हूँ। मम्मी को क्या? मैं बात नहीं करने वाला। मैं भी बात नहीं करूंगा। अरे कैसे इंसान हो तुम लोग, हमेशा उसी याद में रहते हो यार। हेलो, दीपावली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में मुबारक हो। अपना स्पीकर ऑन करो और अपने भाई को जरा सुनाओ। भाई राजा है। तूने अपने आदमियों के हाथ में तलवार देकर मुझे दुनिया से उठाने के लिए बोला था ना, लेकिन अब तेरा क्या हाल हो गया है इस बारे में तू भूल गया क्या? ए, लगता है उन लोगों को तुम्हारा पता मालूम नहीं है, मैं तुझे खुद ढूंढ कर उठा कर यहाँ लेकर आऊंगा। अरे मुझे उठाने की बात छोड़ दे, पहले तेरा भाई कमरे में है क्या, वो तो जाके देख ले। ए, क्यों चुपचाप बैठा है, जाना जाके देखना। क्या बोल रहा है तू, मेरा भाई कमरे में है? अबे पागल कहीं के, जाकर पहले देख ले। मैंने उसे किडनैप किया है, वो भी मेरी कस्टडी में है। कैसा लगा? तेरे ही किले से उसे उठा कर लाया हूँ। उसे क्यों उठा कर लेकर गया? अबे नाटक करने के लिए, तबला बजाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसे तबला बजाने लाया हूँ। अभी तेरे भाई की जान बचाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो तेरे भाई की जान लेने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी बीवी को मैं जा बोलूं वहाँ पर भेज। तू भी इसके साथ मिली है? अगर तूने मेरी होने वाली बीवी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो यहाँ मैं तेरे भाई के गले में फांसी का फंदा डाल दूंगा। सुन, मेरे भाई को कुछ मत करना। तू जैसा बोलेगा वैसा ही मैं करूँगा। तुझे करना ही पड़ेगा, पहले उसके माँ बाप को मंदिर के पास लेकर आ, नहीं तो तेरे भाई की कहानी खत्म समझ ले। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। काशी भाई, बंगले पे फोन कर और इसके माँ बाप को मंदिर लाने के लिए बोल। ठीक है। बोल दिया मैंने? जो बोल रहा हूँ ना वैसा ही करना, समझा? समझा कि नहीं? समझ गया, समझ गया। इसके माँ बाप के मंदिर पहुँचते ही मेरे भाई को छोड़ देना। छोड़ दूंगा कोटे, छोड़ दूंगा। मेरी होने वाली बीवी को ले जाने के लिए मेरे आदमी वहाँ आएंगे। मेरी बीवी और उसके माँ बाप सेफ तरीके से मंदिर तक पहुंच जाने चाहिए, तो तेरा भाई सेफ है। ठीक है, ओके बाय। हेलो, तुम सब लोगों को मिलकर मुझे और मेरी प्रेमिका को एक करना है, तभी हम दोनों एक होंगे। इतनी तो मदद कर ही सकते हो ना? देख राजा, तू किसी बात की चिंता मत कर, अपनी जान में खेल जाएंगे, लेकिन तुझे तेरी प्रेमिका से मिलाएंगे, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े। कोटेश्वर के घर जाना है। कब? ये जाएगा ना? कौन? तू? मैं क्यों उसके घर जाऊँ? तूने अपनी जान देने के लिए बोला था ना? बोला तो था। तो मैं अपनी गर्दन कटवाऊँ? बहुत चला गया तू तो। ए भाई भाई भाई, देख पेटू भाई, तू किसी भी बात को लेकर डरना मत यार। वो कमीना कोटेश्वर कुछ भी उटपटांग करने की सोचे ना तो उसके भाई को काट के रख दूंगा। भाई के नाम से वो बहुत डरता है यार। राजा राजा, तुम सब लोग वहाँ पर पहुँचो, मैं फोन करता हूँ। मेरी माशुका और उसके माँ बाप को सेफली मंदिर में लेके आना। ठीक है राजा, तू इतना बोल रहा है तो तेरे लिए उसे लेके आता हूँ, है कि नहीं? हाँ यार, हम लोग एक ही ग्लास में खाते पीते हैं, तो अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं करूंगा क्या? हम लोग यूं जाएंगे और उसे उठाकर तेरे पास ले आएंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं। चल चल चलते हैं। इंतजार कर, इस बात का है। हाँ चलो चलो चलो। ठीक है।
क्या बात है भाई, सारे गुंडे लोग यहीं खड़े हैं? अबे वो खड़े हो या बैठे हुए हो, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो फिर तू उनका उखाड़ेगा क्या? अबे उखाड़ना मतलब बिगाड़ने की बात कर रहा था। अच्छा तो साफ साफ बता ना। सुनो मामा। हाँ क्या रेडी हो ना? तो चलो चलते हैं। चलो। ए, क्या बोलता रे दाढ़ी? रुको, तुम्हारी तो यहाँ पर भी मारने के लिए आए हो। ए, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मारो इन लोगों को। अबे कुछ तो बोल तू। अरे हर कहीं बात सच थोड़ी होती है। ए वाह क्या हो रहा है, हम राजा के आदमी है। राजा के आदमी? हम कोटेश्वर से बात करने आए हैं। इन्हें ऊपर भेजो। ठीक है भाई। अरे तू बे, दाढ़ी बढ़ा के खुद को गुंडा समझता क्या? तुझसे बड़ा गुंडा हूँ मैं, दिमाग लगाया क्या? वैसे तूने क्या सोचा? मैंने वही सोचा था। ठीक है तो फिर चलना, चल साइड हो जा। ए हट बे साइड। ए बताओ मेरे भाई को कहाँ छुपा रखा है? हाँ मेरा भाई। अबे चुप हो जा, वो एकदम सेफ जगह पे है, उसके लिए तू चिंता मत कर। अरे भाई है? क्या मस्त घर बना के रखा है। गरीब के पेट पे लात मारेंगे तो हम लोग भी ऐसा ही घर बना लेंगे। अबे चुप हो जा, इतना मत चिल्लावे। इसे देखो, ओए घर पे मेहमान आने के बाद उनका आदर सत्कार करना चाहिए, तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया तेरे को? और चाय पानी लेके आ, लेके आ। अरे उठो। चल बैठते, सोफा तो अच्छा है। अबे यार तू कुछ ज्यादा ओवर नहीं कर रहा है? अबे डरने की क्या बात है, हम लोग राजा के लोग हैं ना। सब के सब चुपचाप बैठो वरना एक हाथ मारूंगा तो। ये कौन है जो लोमड़ी के जैसा दिख रहा है? कोई भी होने दे, देख मैं कैसे मजा चखाता हूँ। राजा के आदमी हम लोग। आंखें फाड़ के क्या देख रहा है, तेरे लिए क्या स्पेशल बोलेंगे? चल उठ जा। यार ये बहुत जोरों की लगी है। बैठ जा, हम लोग राजा के आदमी हैं। अरे नहीं यार, माँ कसम बहुत जोर से लगी है। अरे बैठ ना, क्या डरता है? ये लोग क्यों आए हैं? उससे क्या पूछ रहा है, मैं बताता हूँ सुन ले। पहली बात, हमारा राजा जिधर है ना वहीं पे इसके माँ बाप को ले जाके छोड़ना होगा। दूसरी बात, हम लोग इसको यहाँ से लेकर जाएंगे, उसके बाद तेरा भाई सेफली तेरे घर पे पहुँच जाएगा, उसके बाद तुम भरत मिलाप करते रहना। क्यों आंटी, खा पी के एकदम हट्टी कट्टी बन गई हैं? लगता है तुम घर का कोई भी काम नहीं करती हो। अच्छा सुनो सिस्टर, घर का काम ये लोग तुमसे करवाते हैं क्या? वो अरे डरो मत, राजा राजा। अभी खेल शुरू करता हूँ, तुम एक काम करो, इधर बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो, पैर पे पैर रखो रखो। अरे डर क्यों रही हो, रखो ना रखो रखो। अब बताओ, उसके अलावा भी तुमको कुछ परेशान किया है क्या? अरे बिल्कुल मत डरो राजा राजा। वो जब मैं खाना खिलाती हूँ तो मुँह में पानी भरकर मेरे मुँह पे थूकता है। मुँह पे थूकता है वो? तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, तुम भी उसके मुँह पे थूक दिया करो। लेकिन वो तो यहाँ ही नहीं, वो तो किडनैप हो गया है। अरे वो किडनैप हो गया तो क्या हो गया, उसके घर वाले तो यहाँ पे मौजूद है ना, इनके मुँह पे थूक दो। एक मिनट, ये ले और पानी दे। हाँ दे, इधर ला। सिस्टर बिल्कुल मत डरना, राजा राजा। सिस्टर मुंह के अंदर भर के ना जोर लगा के इनके मुंह पे सीधा थूक कर देना, मजा आ जाएगा। इतना सोच क्यों रही हो, राजा राजा। मैंने तो हिसाब बराबर कर दिया। सिस्टर इसे देख के डरने की जरूरत नहीं है, तम्मा तम्मा। अरे तुम फालतू में डर रही हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, राजा राजा। अरे तुम इतना क्यों शौक हो रही हो, शौक होने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके फ्रिज खोलो, फ्रिज से दही निकालो और उसको अच्छे से फेंट लो, उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दो, उस पे एकदम मस्त से जीरा पाउडर डाल दो और उसे खा के सो जाओ। जाओ। सुनो साथ में अदरक भी डालकर पीस देना। तेरे को भी पीस के डालूं? जय हो भगवान, खुश रहो बेटी। वाह 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 वाह, क्या बात है, मंदिर को पूरा सजा कर रख दिया है। भाई 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 एक मिनट, जरा बताओ कि इस मंदिर में आज स्पेशल क्या है? अरे शादी होने वाली है भाई। शादी? चलो जाओ,
लेकिन कहाँ? अरे वो जो खड़ा है उसके पास जाओ। अरे वो कौन है हम नहीं जानते, हमें वहाँ क्यों जाना वो है? वो सब मुझे नहीं पता, आप जाओ। हेलो चिंटू भाई, कहाँ है वो लोग? यहीं पर भाई, मैं उन्हें भेज रहा हूँ। रोक उन्हें। ए, रुक जाओ। उन्हें वापस लेकर आ। ठीक है भाई, ए, इन्हें पकड़ लो। वीडियो कॉल। तो तू राजा है? अगर तू खिलाड़ी है तो मैं खिलाड़ियों का खिलाड़ी। मेरे भाई को मेरे ही घर में छुपा कर मेरे साथ खेल खेल रहा था ना तू? मेरे भाई को देखना है तुझे, वो कैसे मिला वो देखना है। अंकल, अंकल। तो ये देख। अरे ये कैसे मिल गया? ए! मेरे सामने तुम लोग डांस कर रहे थे ना? आने तो मुझे फिर डांस करवाता हूँ। क्या हुआ? सांप सूंघ गया तुझे? तू अपने आप को मर्द समझता है ना? और तूने जिन लोगों को मर्द समझकर यहाँ पर भेजा है ना, उनकी हालत देखना चाहता है तो देख। तू बार बार छोटा भाई बोलकर डरा रहा था ना? भाई मैं तो दो बार बोला था, ये तो बार बार बोल रहा था। बोल, बोल ना। बड़ा भाई, बड़ा भाई। ऐसे ही मेंटेन करने का। और तू कुछ पूछ रहा था ना? नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं पूछा। उसे मिला पर अच्छे से पीस कर। ऐसे ही ना आगे बताएगा? ऐसे 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 ना। ले कोटे, कोटे सुन, ये जंग सिर्फ तेरे और मेरे बीच की है, समझा? उन्हें छोड़ दे उनको। अरे जंग अभी शुरू हुई है। और तू बोल रहा था ना मिस कॉल देगा तो हमें ढूंढ कर मारेगा, तो मैं खुद वहां आ रहा हूं। कौन किसे मारता है ये देख लेना। ए कोटे, अगर मैंने मारना शुरू किया ना तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर हिम्मत है तो आज वीरदेश्वर मंदिर के पास आ जा, मैं वहीं पर इंतजार कर रहा हूँ तेरा। मैं तेरे पास आने की बात कर रहा हूँ, फिर भी तुझे डर नहीं लग रहा है ना? आ रहा हूँ, इंतजार कर। क्यों मारा है इतनी बेरहमी से इनको? तूने जैसा बोला था ना, राजा राजा बोल रहा था, तो उन लोगों ने हमें धोना शुरू कर दिया। अबे तेरा नाम बोलने के बाद ही आप मारा इन्होंने। कमीनो, तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है तुम्हारा वो कोटे? खुद आने की बात करके तुम लोगों को यहाँ पर भेज रखा है क्या? एक लड़की को आगे रखकर इस तरह से खेल रच रहा है वो? कोई मर्द है क्या वो? राजा, अरे मत मारो। राजा, ले चले से। फोन पर तो तू बहुत बड़ा मर्द बन रहा था ना, अभी तो तू एकदम छोटा चूहा लग रहा है। जिंदा है क्या? जिंदा भाई, जिंदा रखो, जिंदा रखो इसे। जब ये आंखें खोलेगा, इसकी आंखों में इस कोटेश्वर से लड़ने का खौफ क्या होता है वो दिखना चाहिए। क्या कहा था इसने? मैं मारना शुरू करूंगा तो तू मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे उठ पहले, उठ पहले। तेरी तो
ए, ये मेरा बेटा है, इसकी कुंडली में हार नाम की जगह नहीं है। ए, किसी को भी कोई तकलीफ हो तो सबसे आगे मेरा पोता रहता है। हाँ। ये भगवान कभी इसका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ। अगर ये उठ गया तो तेरी कहानी तो खत्म। हाँ। इसकी कहानी में किसका अंत लिखा है ये पता चल जाएगा। ए, हम कौन है इसे आज बता दो। दूल्हा दुल्हन को लेकर आओ। नहीं ऐसा मत करो, मंगलसूत्र मत पहना। छोड़ो मुझे, जाने दो उसे। बेटी आओ। रानी, रानी। भाई राजा, राजा उठ, उठ राजा। इनमें से किसी को मत छोड़ना। उठ राजा, उठ राजा, उठ। उठ जा राजा, राजा। उठ जा राजा। कोटे, इस कोटेश्वर का नाम सुनते ही सब डर के मारे हिल जाते हैं, और हिलना ही चाहिए। तेरी आंखों के सामने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता हूं, देख लेना, देख लेना। ए, मंगलसूत्र लेकर आओ। अरे छोड़ मेरी बेटी को। मंगलसूत्र मत पहना, जाने दो उसे। छोड़ दो, ऐसा मत करो। छोड़ दो बेटा, उठ जा बेटा, जल्दी कर। छोड़ दो उसे, राजा आने दो। राजा, Yeah.
राजा राजा ठीक है बेटा। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, अगर मेरा राजा उठ गया तो सबको खत्म कर देगा। तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या बे, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है तू? अब देखता जा, तेरी आंखों के सामने हमारा राजा इसके गले में मंगलसूत्र डालेगा। ये क्या कह रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ, अपना राजा जिस लड़की से प्यार करता है ना, यही लड़की है वो। हाँ दादी जी, हम दोनों इसी को लाने के लिए गए थे, इन तीनों ने मार के हमारा कपड़ा बदल दिया। ऐसा है क्या राजा? क्यों बेटी? शिवा? अरे, और आप लोग क्या कहते हैं? हम भी राजी हैं, लेकिन मैं मना करता हूँ। ऐसा बोलने पे आप लोग छोड़ देंगे क्या? चलो शादी कराते हैं। तो दिक्कत क्या है? आ जाओ बेटी, राजा तू भी यहाँ आ जा। आ जाओ बेटी। जोड़ी तो राम सीता की है। इस रावण के सामने मंगलसूत्र पहनाएगा, चलकर मंदिर में मंगलसूत्र पहना इसे। चलो 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 सब लोग। कोटे, तू भले ही कोठी का मालिक हो सकता है, लेकिन किले पर जो राज कर रहा है ना, वो राजा वो तो सिर्फ मैं ही हूँ। अगर तू वापस मेरे साथ पंगा लेना चाहता है तो बस एक मिस कॉल दे देना, मैं ढूंढ कर तुझे मार दूंगा। चल मेरा नंबर लिख ले, 9916572464। चलो रानी चलते हैं।